सूबाई वजीर मादनियात सरदार शीर अली खान गोरचानी की जेर सदारत महकमे का पहला अहम इजलास। माइनस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट से मुंसलिक इदारों के सरबराहान की शिरकत। अफसरान की जानिब से सूबाई वजीर को उद्दा संभालने पर मुबारकबाद। इजलास में मादनियात और कानकनी से मुतालिक तमाम जरूरी मामलात पर सैर हासिल बहस की गई। तमाम सरबराहान की जानिब से सूबाई वजीर को अपने इदारे बारे ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ने रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने और लेजिंग का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ रखने पर जोर दिया। चिन्यूट में आयरन और के जारी मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। बतौर वजीर मादनियात इंतखाब पर अपने कायद वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। सरदार शीर अली गोरचानी, बतौर वजीर मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है। सूबाई वजीर मादनियात गुज़श्ता दौर में दीगर तमाम महकमों की तरह माइनस एंड मिनरल्स को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। सूबाई वजीर मादनियात, बतौर वजीर सूबे की 12 करोड़ अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ। सूबाई वजीर मादनियात से मुतालिक किसी जायज काम में ना रुकावट डालूंगा ना किसी को डालने दूंगा। शीर अली गोरचानी, मेरी आप सब अफसरान से दरख्वास्त है कि मादनियात से मुतालिक आप किसी जायज काम को नहीं रोकेंगे। सूबाई वजीर, जनूबी पंजाब के कबायली इलाके मादनियात के खजानों से भरे पड़े हैं। सूबाई वजीर, बदकिस्मती की बात है कि पिंक सालट हमारा खजाना है जिससे दूसरे ममालिक फायदा उठा रहे हैं। सूबाई वजीर, सालट माइनस से निकलने वाले इस खजाने को अब सूबे की मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सूबाई वजीर, मेरा और आपका मुश्तरका मफाद उसी में है कि वजीर पंजाब और उनकी टीम की हमारे काम से नेकनामी हो।